और बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। मसूरी माल रोड पर अब आ गए हैं, लेकिन और असली एडवेंचर अब चालू होता है जिसके लिए। गुड मॉर्निंग घुमक्कड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। अभी हम देहरादून में और हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने। लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने एक जगह देखी तो वो हमें दूर से देख रही थी लेकिन उसका रास्ता नहीं दिख रहा था, हमने रास्ता पता लगा लिया और अब हम जा रहे हैं वहां पर ऑफ रोडिंग करने। लो जी, हमने रास्ता ढूंढ ही लिया है रिवर पर जाने का। अब रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि 4x2 नहीं है, कहीं फंस गई तो। इधर काटो, इधर काटो, चलो चलो चलो। अरे जलवा है हमारा। और बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बाकी स्लिप हो रहा है टायर, थोड़ा रिस्की है लेकिन मजा आ रहा है। ये देखो स्क्रैच लग रहे हैं गाड़ी पे। ओए होए होए, ये साइड से लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, जाके ठीक करा लेंगे, वैसे भी हमने PPF कराई हुई है भाई। रिस्क है तो इश्क है, वो तो निकल गई। जब तक रिस्क नहीं करेंगे इश्क नहीं। अब नहीं, 4x4 ये तो निकल गई। 4x4 नहीं चाहिए हमें। बहुत लोग कहते हैं ना 4x4 स्नो में बस प्रॉब्लम है थोड़ी। स्नो हो ना, स्नो चेन लगा लेंगे। और स्नो में 4x4 भी काम नहीं करती, मैंने खुद देख लिया। नो चेन। ओए होए होए, क्या घरोच मारी है। कोई नहीं, जाओगे भाई पानी में कुदा दूंगा, बिल्कुल बीच में, रिवर के बीच में जाके फोटो शूट होगा हमारा आज। ठीक है, ओके। वीडियो देख रहे हो, अभी हम वहां से खड़े होकर देख रहे थे कि कार कैसे लेके जाएं, और हम अपनी कल्लो को इधर लेकर आ गए हैं और अच्छी अच्छी फोटो भी क्लिक कर लिए जो कि इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी मजा होता है इधर आकर, इतना मुझे इधर आकर मजा नहीं आया जितना इस रिवर में गाड़ी लेकर मजा आया। चलो कर ली ऑफ रोडिंग। मेरे को ना एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इसे मनाली में और ऊपर लेकर गया था ना, मुझे पता थी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है स्नो में, और 4x4 भी लेके स्नो में ही है। अब क्या कहता है, थार लेनी है? अरे नहीं, थार वार गई, इससे करेंगे ऑफ रोडिंग। मक्खन मार के चढ़ गई, मक्खन मार के चढ़ गई है तो। ये रास्ता देख लो भाई, गड्ढे देख लो भाई साहब। बच गए भाई, बच गए, गड्ढा था बहुत तगड़ा। और राजपुरा रोड पर आ गए हैं देहरादून, और आगे देख रहे हो बिल्कुल न्यू थार जा रही है जैसे अभी इसकी डिलीवरी हुई हो। और 4x4 मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है 1-2% जरूरत है उसके लिए, एक व्हीकल लेना या अलग से ऐसा लेना कि 4x4 जरूरी है। जैसे स्नो में भी मैं बोल रहा हूँ तो स्नो में ये नहीं है कि हमेशा जरूरत है, लेकिन जहाँ ब्लैक आइज होती है ना वहां स्लिप होता है। अरे कुछ भी बोलो, हमारी एक स्वीप बेस्ट है। नहीं मैं रीजन बता रहा हूँ, रेंज रोवर आ जाए, ऐसी बात नहीं है। रेंज रोवर, रेंज रोवर नहीं नहीं नहीं, अपनी चीज किसका बढ़िया लगेगी, आप अपनी चीज की तारीफ करो। नहीं तारीफ अपनी चीज की नहीं, मैं सच की तारीफ कर रहा हूँ जो सच है। और 4x4 हो चाहे 4x2 हो, ब्लैक आईज में तो दोनों फंसेंगी। वहाँ पे तो स्लो चेन चाहिए। और अब देखोगे मसूरी यहाँ से 24 किलोमीटर रह रहा है, तो बस अब मसूरी हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और ये मसूरी देहरादून रोड है, उस पर शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन बहुत पुराना है। लेकिन अब हमें रुकने का टाइम नहीं है क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा दिया, अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा तो हम रुकेंगे नहीं अभी। वो देख रहे हो, वो है नीचे सिटी, और उस सिटी से ये रोड देख रहे हो, ये वाला रोड, ये वाला रोड और ये वाला रोड, और इससे होते हुए इस रोड पर जो ये सामने रोड है, और यहाँ से ऐसे 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 वैसे होते हुए हम यहाँ आ चुके हैं। और अब यहाँ से आगे बस यही दिखाने के लिए रुके थे कि रास्ता कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब पीछे हमने देखा वहाँ से पूरा रास्ता ऐसे घूम घूम के दिख रहा है, पूरा रास्ता बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, ऊपर से सूरज पड़ रहा है ना सामने से इस वाले पहाड़ के पीछे, बहुत प्यारा लग रहा था। कैसा लग रहा है? ये तो करीब 3-4 साल बाद आया है पहाड़ों पर।
था। मौसम भी बदल गया नीचे से, अब में बहुत फर्क है मौसम में, ठंडा हो गया मौसम थोड़ी, अब ऊपर जाते हैं तो हो जाएगी। हाँ अभी कितना 15 किलोमीटर रह रहा है, इतना ही रह रहा होगा, 15 बीस। और हम सोचते हैं अब सीधा मसूरी जाके रुकेंगे, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ अच्छे नज़ारे मिल जाते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम रुक जाते हैं। सामने देखोगे तो ये मसूरी लेक है जो कि छोटी सी है काफी, वहां पर देखोगे तो बोटिंग हो रही है, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो नीचे काफी जाना पड़ेगा, दूसरा हमें जाना है आगे, और अंधेरा होने वाला है। टाइम देखोगे तो टाइम 5:10 हो चुके हैं और आज हमने अच्छी खासी चला ली वैसे, और आराम से रुकते रुकाते हैं। जब भी पहले सोचा था बिना रुके एक बार रेस्ट लेंगे बस, फिर खींचे चलेंगे, लेकिन रुक के भी आराम से हम देहरादून अच्छा खासा रुके हैं, फिर भी 5:15 तक हम पहुंच गए। अब हमें यहाँ से कितना, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। कार पार्क कर दी है और मसूरी माल रोड पर अब आ गए हैं, लेकिन भीड़ कम है ना, ठंड लग रही है, भीड़ भी छोड़ो, इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बड़ा जैकेट पहनी है इसने ज्यादा। और इसी मार्केट में हम कल आए होते ना, क्योंकि वीकेंड था तो फुल पैक होता और बहुत ज्यादा भीड़ मिलती। ये केबल कार देख रहे हो, ये गन हिल लेकर जाती है और ये लेके सीधा माल रोड से इधर से ही जाती है। केबल कार के प्राइस रहते हैं ना वो 180 रुपीज पर हेड रहती है। एक ही लियो, मैं नहीं लूंगा, वैसे भैया को सर्दी लग रही है और ये सर्दी में ही सॉफ्टी खा रहा है भाई। नहीं नहीं, मजा तू ले, तू मजा ले। और यहाँ पर काम भी चल रहा है माल रोड पे, ये रीजन भी हो सकता है भीड़ कम होने का, है ना, पीछे भी बहुत चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था। और सनसेट होने को है तो सामने देखो पूरा रेड रेड हो गया उधर। चले जी कार के पास आ गए और कार एक सेफ जगह भी लगा दी, मतलब हमें लग रहा है कि रात को हम यहाँ आराम से रुक सकते हैं और असली एडवेंचर अब चालू होता है, जिसके लिए भी आए हैं। होटल का एक्सपीरियंस तो बहुत लिया है, आज ये एक्सपीरियंस लेना, मतलब मैंने तो कल लिया था, ये एक्सपीरियंस क्या लग रहेगा ना, गाड़ी में रहेंगे नीर आ जाएगा होटल पास में चले जाएंगे। वैसे मैं तो कल ये एक्सपीरियंस ले चुका, लेकिन वहाँ शोर शराबा बहुत था, यहाँ अभी है, लेकिन अभी टाइम 8:10 ही हुए हैं, 9:30 बजे सुनसान हो जाएगा, फिर नींद भी अच्छी आएगी। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, अगर रात को कुछ हुआ तो वो आपको बताएंगे। फिलहाल सेटअप अपना कर लें, सीट वीट नीचे कर लिए, बाकी अंस करेगा इसको। और आज गद्दे वद्दे 2-3 लाए हैं जो कि बिल्कुल मोटा जाए, पार्टीशन कवर हो जाए और फिर अपना ये रजाई ओढ़ के सोएंगे। चल चल। लो जी हमारा सेटअप हो गया पूरा, नीचे गद्दे वद्दे बिछा दिए हैं, चादर बिछा दी है, इधर स्पीकर है, रात में गाने सुनेंगे, उधर एक एक्स्ट्रा लाइट है जो कि हम रात को यूज़ करनी होगी तो कर लेंगे, बाकी कार की लाइट भी जला लेंगे। इधर अंस ने कंबल अंबर लगा दिया, पानी वानी सेट कर दिया है, पूरा मतलब ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा, कुछ होगी, चॉकलेट खाने पीने के लिए और भी रखा हुआ है नीचे। और यहाँ से जो सुबह नज़ारा और व्यू दिखेगा ना, वो अभी रात में नहीं दिख सकता, एक नंबर व्यू है, किसी 5-स्टार होटल से जैसा व्यू आता है ना वैसा व्यू है। अब मैं अंदर जाता हूँ। सीट जो है ना हमने पूरी आगे कर दी है, एक इमरजेंसी के लिए इधर लाइट रखी हुई है जो रात को कुछ होगा तो चला लेंगे, और एक वहां से टाक दिया है। और टाइम अभी हो गया 9:20, मतलब हम अराउंड 1 घंटे से कार में हैं, हम मोबाइल इंस्टाग्राम देख रहे थे अपना, और अभी टाइम हो गया है 9:25, और अब जा रहे हैं सोने की तैयारी करने। और ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने सनरूफ खोल दिया, थोड़ा इधर से और हल्के हल्के शीशे खोल दिए, डोर वाइजर लगवाया था वो इसीलिए लगवाया था कि हल्के हल्के खोल दे शीशे, जो कि सफोकेशन ना हो, क्योंकि सफोकेशन में सुनते हैं कार में मर जाते हैं लोग, तो हमने ऐसा कर दिया कि यहाँ से ऊपर से भी हमारे लोगों ने क्या करना है, नए लोगों को सब्सक्राइब करना है ऐसे, और फिर कुछ आइडियाज आएंगे ना उसको करेंगे। यहाँ से ओपन है इसलिए हमें सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब सुबह रोशनी होगी ना यहाँ से हमें बहुत अच्छे से ऊपर आसमान दिखेगा। तो चलिए दोस्तों सोते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू गुड नाइट, अगर कुछ होगा रात को तो वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन गुड नाइट अभी के लिए बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं पूरी रात का एक्सपीरियंस क्या रहता है वो कल वीडियो में बताएंगे। बाय बाय, गुड नाइट।